तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो आपने ये वाले चिच्चा को कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो एडवर्टाइज करते हुए देखा ही होगा। 10 बजे खुलेगा, इसलिए जंगली रमी पे आओ ना महाराज, 24/7 कस्टमर सपोर्ट। अब ये चिच्चा की उम्र तो है चार धाम करने की, लेकिन ये चिच्चा यहाँ पे लोगों को जुआ खेलना सिखा रहा है। अब आप ही सोचो। और ये जो अगर आप जंगली रम्मी खेल रहे होंगे तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, खेलना छोड़ दो वरना आप रोड पे आ जाओगे, अब बर्बाद हो जाएंगे। अब किस प्रकार ये कैसा होता है क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझदार है तो समझ लो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, आपको बर्बाद होना है तो हम नहीं रोक सकते हैं। तो सिंपल, अभी जंगली रम्मी हमारे इंडिया में इतना फेमस क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही परफेक्ट है, क्यों तो ये इतनी बार एक ही एडवर्टाइज एक इंसान को दिखा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वो इंसान को देखने वाले इंसान को उसके ऊपर ट्रस्ट आ जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, जो बड़े 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 सेलिब्रिटी रहते हैं उनके थ्रू ही इनकी एडवर्टाइज करवा रहे, तो जो हमारे दूसरे बंदे रहते हैं जो इनकी एडवर्टाइज देखते हैं तो उनको जंगली रमी के ऊपर भरोसा आ जा रहा है और जंगली रमी खेल रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जंगली रमी पे अगर 100 बंदे खेलते हैं तो 100 में से सिर्फ 5 बंदे ही प्लस होते हैं, और जो 95 बंदे हैं वो वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। एक तो लोन उठाते हैं, कुछ करते हैं, जेब के पैसे डाल देते हैं, सेविंग डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, सब डाल देते हैं। और जो ये 5 बंदे रहते हैं वो 5 बंदे इनके खुद के रहते हैं, इन्हों जिसे चाहिए जिसे इनको चाहिए वो उनको जिताते हैं, और उनका जैसा चाहिए उनको जिताते हैं। और 5 में से भी 2 से 3 बंदे ऐसे रहते हैं वो खुद इन्हों ही रहते हैं, इनके कंप्यूटर वहाँ पे खेलते हैं, उनको पहले से ऑलरेडी पता रहता है क्या नहीं, तो कुछ इस प्रकार इनका यहाँ पे काम चलता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना जरूरी है, अगर आप यहाँ पे इनका कैसा हो रहा है, इन्हों एक ही एडवर्टाइज एक ही बंदे को सोशल मीडिया के थ्रू बार 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 दिखा दे रहे हैं, तो जो देखने वाला है वो इस पे बहुत भरोसा कर रहा है। और उन्होंने ऐसा बता रहे कि मैं एक दिन में 1 करोड़ जीत गया, मैं एक दिन में 2 करोड़ जीत गया, मैं एक दिन में 3 करोड़ जीत गया। अब इसका भी मैं आपको बताऊंगा, इन्हों क्या बोल रहे हैं, 1 करोड़ जीत गए, 2 करोड़ जीत गए, 5 लाख जीत गए, 20 लाख जीत गए, कुछ इस प्रकार। अब आप ही सोचो, अगर यहाँ पे हर बंदा प्लस होता था, मतलब अगर ये जंगली रम्मी के ऊपर जितने भी खेलने वाले बंदे प्लस होते थे, या फिर रोज करोड़ों से लाखों से या फिर हजारों से भी पैसे, हजारों भी छोड़ दो, रोज सिर्फ 1,000 रुपए भी अगर बंदे यहाँ पे कमाते थे जंगली रम्मी पे, तो हमारे इंडिया में जो अभी बेरोजगार बैठे वाले है एक भी जन बेरोजगार नहीं रहता था। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे जॉब काढ़ने की ये काढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट सीधा बोल देती थी जाओ जंगली रमे पे खेलो, रोज 1,000 रुपये आपको आ जाएंगे, अब जीत जाओ। तो आपको ये थोड़ी सोचने की बात है, ये जो उनकी स्ट्रेटेजी है हमारे को पूरा दिखा दिखा के पागल कर देना, बाद में हम क्या करते हैं इनको खेल इनका ऐप डाउनलोड करते हैं, फिर आईडिया से डाउनलोड करने के बाद पहले तो उनके इसके प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम आलू से पैसे डाले। और इन्हों भी कैसा कर रहे थे, अगर आप बार बार आपको एडवर्टाइज दिखा रहे यूट्यूब पे इस पे उस पे, अगर आप फिर भी इनका ऐप इंस्टॉल नहीं कर रहे तो ये क्या करते हैं, आपके सामने बोनस की इसकी उसके एडवर्टाइज लाते हैं। तो अब हम क्या सोचते हैं, अब इन्हों बोनस भी कैसा दिखा रहे, 4,000 बोनस, 5,000 बोनस। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम बोनस के लालच में चल जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, अब जाएंगे हम ऐप को इंस्टॉल करेंगे और 4,000 बोनस हमारे को आ जाएगा, फिर वो बोनस से जो हमें पैसे मिलेंगे हम उससे खेलेंगे, और उससे खेलने के बाद जो भी प्लस रहेंगे वो ऐसा वैसा हम सोचते हैं, फिर इनके ऐप को वहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जो इन्हों बोनस देते हैं वो बोनस सिर्फ उनके जो प्रैक्टिस रहती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए बोनस देते हैं। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ये जो जंगली रमी है बहुत ही बेकार है, आपको यहाँ पे बर्बाद करने की तैयारी चालू है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया गवर्नमेंट इसको लीगल कैसा कर रही है, मतलब इनको परमिशन कैसा दे रही है सट्टा बाजार चलाने का। अब आप ही सोचो, जंगली रमी पे अगर 100 बंदे खेल रहे होंगे, अगर 100 में से 100 बंदे जीत गए तो 100 बंदे को पैसे देने वाला कौन है, गवर्नमेंट देंगी या फिर चलाने वाले देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो 100 बंदे खेलते हैं, 100 में से सिर्फ वहाँ पे 5 बंदे जीतते हैं, और 5 में से भी 2 बंदे तो इनके कंप्यूटर ही रहते हैं, मतलब उन्होंने जीतते हैं, और जो दूसरे जो बचे वाले 2 बंदे रहते हैं वो 2 बंदे को भी इन्होंने मैनेज करे वाला रहता है इन आधे आधे पैसों में। इनको क्या बोलते हैं, हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, आपको हमारे एडवर्टाइज करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आप क्या बोल रहा था मैं, अब आप ही सोचो, यहाँ पे अगर जंगली रम्मी के ऊपर रोज हर कोई पैसे कमाता था लाखों से, 1,000 से, 1 करोड़ों से,
तो हमारे इंडिया की बेरोजगारी आज रहती नहीं थी। और जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है वो सबको बोल देते जाओ जंगली रमी पे खेलो, आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझो और ये खेलना छोड़ो, हो सके तो इस पे बैन लगाने की कोशिश करो, वरना जो हमारे बच्चे हैं वो इसे खेल खेल के पूरा पागल हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर सकते हो कि तो मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ जो जिससे मुझे लगता है कि वीडियो बनाना जरूरी है, वरना हमारे जो बच्चे वो है वो पूरे बर्बाद हो सकते हैं। तो चलो चलते हैं और थोड़ा सोचो इसके बारे में क्या है क्या नहीं। ये चिच्चा को तो कुछ कामा धंधे दिख रहे नहीं है, चार धामा करना तो यहाँ पे क्या कर रहा है आपको पता है, जुआ खेलना सिखा रहा है। तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।